नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप कभी सिक्किम घूमने जाएं तो वीडियो में बताए गए जगह पर जरूर जाएं, क्योंकि यह जगह आपके टूरिज्म को और भी मज़ेदार बना सकती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए और जाने इस वीडियो में, साथ ही दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को भी शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जो कि हर प्रकृति सुविधाओं से घिरा हुआ है, जैसे झीलें, नदियाँ, बौद्ध मठ, स्तूप और हिमालय के बेहद लुभावने दृश्यों को देखने के अनेक स्थान हैं। यह सभी हर प्रकृति प्रेमी को बाहें फैलाए आमंत्रित करते हैं। सिक्किम को भारत के सुंदर शहरों में से एक माना जाता है, और प्रकृति के वरदान से भरी यह जादुई जगह हिमालय पर्वत क्षेत्रों में स्थित है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के स्थानीय लोग अलग देश के मूल निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में रहने वाले अधिकतर लोग नेपाल से हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, इतिहास और खान पान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा यह अपने जीवंत त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व में तीसरे स्थान पर आने वाली छोटी कंचनजंगा है। इस राज्य में प्रमुख फसलें मक्का, चावल, गेहूं, बड़ी इलायची और अदरक की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों का जीवन खेती और टूरिज्म से चलता है, और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 भाषाएं बोली जाती है। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और मज़ेदार होता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता और राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ के मौसम की वजह से यह जगह पंछियों के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं है। सिक्किम में आपको पंछियों की 552 प्रजातियाँ देखने को मिलती है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख एक अलग ही मंत्रालय करती है। लगभग 200 धार्मिक स्थलों के रख रखाव का जिम्मा इसी मंत्रालय पर है। सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह, सिद्धेश्वर धाम जैसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम की वर्तमान जनसंख्या 6,19,000 है, और ये राज्य भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आपको एक बात और बता दें, फुटबॉल के मशहूर प्लेयर बैंचिंग भूटिया और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर डेनी डेंजोगपा सिक्किम के ही रहने वाले हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली थांका पेंटिंग पूरे विश्व में मशहूर है, जिसके देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।